वेलकम टू माई चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ी महा खुशखबरी कह सकते हैं रिलीज़ हुई है, जो बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका कट ऑफ यस मार्क्स कितना रहेगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि नीट 2021 रिजल्ट से पहले एनटीए ने क्या खुशखबरी दी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूँ एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह साफ साफ निकाल दिया है कि इस बार 2500 एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज होने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं अभी तक 83,000 एमबीबीएस सीटें थी, अब 2500 सीटें और बढ़ जाएंगी तो एमबीबीएस की सीटें हो जाएंगी 85,500, ठीक है, 85,500 सीट्स हो जाएंगी एमबीबीएस की। तो अब आपको बता दूं कट ऑफ पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि सभी को मालूम है इस बार पेपर टफ आया था तो बच्चों को उम्मीद कम लग रही थी जिनके कम मार्क्स थे, लेकिन इस बार कट ऑफ सभी को मालूम था थोड़ा सा लो रहेगा, यानी कम मार्क्स पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। उस पर से ये सीटें इंक्रीज होना, ये जो 2500 एमबीबीएस सीटें अलग अलग स्टेट में इंक्रीज की गई हैं पूरे देश में, तो दोस्तों इसका सभी की कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। यानी अभी तक हमने जो बोला था, अगर 600 मार्क्स जनरल कैटेगरी में मिल रहे हैं किसी को वो सेफ है, तो अब आप मान के चलिए 590 मार्क्स पर भी आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 570 से 590 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपको मिल जाएगी सीट। इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात कर लें तो एससी कैटेगरी में 470 से 480 के बीच में आपको सीट मिल जाएगी, और एसटी कैटेगरी में अगर आपके 460 मार्क्स भी हैं तो भी आपको सीट मिल जाएगी एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये कट ऑफ पर असर होगा, जो सीट्स बढ़ी हैं, हाँ, तो इसलिए आपको ये अपडेट देना था। एनटीए की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुआ है कि 2500 एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज कर दी गई है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।